गुड न्यूज ये है कि मेरी बाइक आ गई है शोरूम में, तो मैं कल लेने जा रहा हूँ बाइक। और आपको एक बात ये बताना था कि स्नेहा ने एकदम पागल वाला काम किया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई ऐसा भी कर सकती है वो। तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। नया दिन नई शुरुआत और आपके साथ। और दरवाजा बंद करो, सबको जगह बच्चे मस्त। अभी हम आए हैं यहाँ पे बाबू को लेने। तो बाबू को लेने कर रहे हैं, बाबू के लिए कुछ सामान लेने आए हैं। जो लेने आए हम वो पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो मैं फिर गूगल पे सर्च किया कि उसको क्या कहते हैं। कितने लेके चलने हो तुसी अंकल जी? वाओ, गाड़ियां अंकल ये मैं चला सकता हूँ क्या? ये तो बताना प्राइस के हिसाब से इसमें होगा ऑफर 50%? सब में फिर भी नहीं होगा यार अंकल, कर लो। गाड़ी अपन ने ले लिया है बाबू के लिए, देखते हैं बाबू को अच्छा लगता है कि नहीं। बाबू आपके लिए आ गया गिफ्ट। बाबू का भात कोई गिफ्ट मेरी तरफ से। बाबू आपके लिए दाली आया, दाली लो बाबू। ये है आपको गिफ्ट मामा की तरफ से। चल चल। हेलो फैमिली, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताऊंगा, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। सो इसमें आप अलग अलग सेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर, यूरो वगैरह भी। और आपको 90% तक प्रॉफिट भी मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, जैसे कि मुझे लग रहा है इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने इसमें 700 रुपीज का ट्रेड अप में कर दिया। देखा, मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही निकला। इस अमाउंट को आप कोई भी बैंक या पेटीएम से 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है। अगर आपने हमारा प्रोमो कोड यूज किया है तो आपका डिपॉजिट मनी डबल हो जाएगा, मतलब 400 रुपीज पर आपको 800 का टॉपअप मिलेगा। इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने पे आपके डेमो अकाउंट पर आपको 65,000 मिलेंगे, जिससे आप ट्रेडिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ फैमिली, ध्यान से ट्रेड करें क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फैमिली, आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? सो फैमिली, आज आया हूँ मैं एमटी के पास। खतरनाक बाइक है, पार्किंग पॉइंट देख रहे हो इसका? सो फैमिली, अपन यहाँ पर आए थे बट हम खड़े यहीं पर ही हैं। मेरी शक्ल आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा उतर गई है, क्योंकि मैं हो गया हूँ अब गरीब भाई। सब कुछ तो सेल में लिया यार। कहते चुप रहो, चुप रहो। इतनी बड़ी कुर्सी मैंने पहली बार देखी है, तो इसमें अपन अब रिलैक्स होने जा रहे हैं। वे कैसे बैठना है? डबल बेड। अच्छा, फोन छोड़ना पड़ेगा। मैं गुफे में घुस गया। हाँ, मैं छोटा सा ब्लॉगर हूँ, मेरे एक वीडियो में ना 2 मिलियन व्यूज आए हैं। हाँ पता नहीं, करंट तो नहीं आएगा ना। कैसे लग रहा है? मेरी पीट गई। भैया आज कर रहे हैं पार्टी। वे क्या कहना रहे हो आज? इसकी उम्र तो बता। आपने किसी चीज की पार्टी नहीं दी ना? 100K की दी ना, बाबू बेबी बॉर्न की दी ना, एनिवर्सरी की दी ना, बर्थडे की दी। भाई किसी की पार्टी नहीं दी। पेमेंट इनसे कर लेना, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनके 10 मिलियन व्यू आए हैं एक मिनट। भैया कहते स्पाइस इतना करना कि पानी पी के पेट भर जाए हमारे। भाई सच में आपने कर दिया पेमेंट? सिर्फ 482 दे दी, बाकी मैं दे दूंगा। लगा भाई सारे ना अमीर लोग कॉफी पीते हैं, हम भी एक बार पी के देखे कैसा लगता है यार। हाँ यार, हमने कभी पिया ही नहीं, घर के अलावा कभी पिया ही नहीं। घर पे भी अपा वो पाउच पूछ लेके बनाते हैं, वो मजा सा नहीं आता है। इधर क्या क्या कैपेचिनो। हाँ। जब लोगों के टेबल में देखते हैं ना, पता नहीं कैसी कैसी चीजें लेके आते हैं, हमें तो नाम भी नहीं पता हम क्या करें। हम दूसरी चीजें इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि हमें नाम ही नहीं पता, हम दूसरे का देख कर बहुत करता है। बस एक बंदे ने पकड़ा हुआ ना वो नींबू पानी सा। हाँ। उसका नाम पता वर्जन मोहितो, बस मजाटो होता है वो। मोहितो होता है, मजाटो नहीं कहते मोहितो वो, जो ये लेके जा रहा है। सो फैमिली, हम अभी जैक एंड जोन्स में जाकर आए हैं, लिया कुछ नहीं, बस फीलिंग चक के आ गए ताकि उनको लगे कि हाँ भाई कुछ लेने वाले आ गए। सो फैमिली, अभी हमने काफी अच्छी वीडियोस बनाई भाई लोगों के साथ। हेलो, थैंक यू। हेलो कर ऐसे ऐसे मुक्का मार, ऐसे मुक्का मार। यस, शाबाश शाबाश, ठीक है भैया, थैंक यू। तो अंकल चले गए हमारे ऋषि वाले अंकल। सो फैमिली, मैंने ये और एक वो पैंट लिया और एक ये टी शर्ट, और इधर आया बाबा, और ये मैंने ये लिया भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है। टन टन है। और हाँ, ये कैप स्पेशली मैंने अपने बाइक के कलर के हिसाब से लिया है। तो आपको बड़े होके क्या बनना है? कुछ नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना। वेरी गुड, क्या बनना बताओ? हाय को हाय फुल। कौन है ये? कौन सी चाचू? एक बार ध्यान से देखो कौन है। भागो भागो,
ये तो मैं खाऊं मेरा पूरा गिल्ला हो गया। घूमी घूमी करने और भाई उधर पता नहीं किनको देख रहे हैं। मैं तो नहीं ब्लॉग देखी लास्ट वाली जो बंदा मेरे साथ वीडियो में थे उन्होंने देखा ही नहीं। हाथ जोड़ के बेनती है तभी कहूं भाई मेरा एक व्यू कम क्यों हो गया यार। आपने मेरा एक ही सीन पाया वो भी नाक मारते हुए। मैंने बॉस टाइमिंग नहीं बढ़ाई यार भाई। हां बॉस चलो गाड़ी चला यार। तुमने ड्राइवर समझ रखा है इसको यार मुंडा तो ना कही। सुन बापू मेरा ड्राइवर नहीं आएगा इंस्ट्रक्टर आएगा वही यानी कि मैं भाई रखो कि ना रखो ब्लॉग में भाई। तुम दोनों भाई साथ में थे बता दो देते भाई पेड़ भाई रात को ऑक्सीजन फेंकता नहीं है वो फेंकती है रात को वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है भाई लेता नहीं है वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है। शर्म तो ना आती गाली देते हुए भाई। मैंने कोई गाली नहीं दी मैं कुछ सच्ची लेते सर्च कर ले कौन सा पेड़ है जो ऑक्सीजन ही फेंकता है। पीपल सो फैमिली हाँ मैं पीपल की पेड़ की बात कर रहा था। ये तो अपनी मजाक उड़ाई जा रहे थे मेरा वो ये अपनी मुंडा रोको भी मैं तेरे के सर्च करो यार। रात कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट वो तो उस दिन मैंने ऑटो करेक्शन हो गई थी थोड़ी मैं भी क्या लिखना क्या वैसे भाई तो मेरे को समझ नहीं आया मैंने सर्च नहीं किया। पेड़ रात को क्या फेंकता है बाकी इसका दोस्त करता है फेंकने में इंग्लिश में क्या कहते हैं वाटर ट्री रिलीज एट नाइट web.era-edta.org During the day, in presence of sunlight, the plants use up the CO2 and release O2 in the process of photosynthesis. Why does peepal tree gives out oxygen at night? The peepal tree releases 24 hours of oxygen and determines atmospheric CO2. पीपल वाली बात सही है उन्होंने लिखा कि पीपल 24 घंटे ही फेंकता ऑक्सीजन। मेरे पीपल मतलब लो भाई पीपल हो भाई पीपल का स्पेलिंग पढ़ो उधर पीपल का पेड़ भाई पीपल ट्री गिव्स आउट ऑक्सीजन एट नाइट। अगर ना पीपल का पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन फेंकता है ठीक है जो बाकी पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है जो अपन एज अ ऑक्सीजन लेती हैं पता है मुझे कैसी बट भाई वापस लेकर आना पड़ेगा भाई। अभी लड़की देख रहे थे कैमरा उधर करके पता है कैसे आपकी सेटिंग है भाई। मैं आई एम सिंगल टोटली सिंगल। अरे इसमें सच कितना झूठ कितना जिनको सुन रहा वो सच है 100% प्योर देसी घी भाई मुझे बता दो देते भाई मैं निकर पता ना मम्मा देखते हैं व्लॉग ये देख लो पहले इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को अपनी गाड़ियां ना दे ये काम होते हैं बाहर जाके। सीट बेल्ट देखो आगे के तीन बंदे लगा रहे हैं एक ही सीट बेल्ट को। मैं काम करता हूँ यहाँ से लेके ये देख रहा भाग गया भाई कैप्चर हो गया भाई। मैंने कहा कान में घुसोड़ देता हूं आप क्या यार भाई वीएफएक्स बहुत अच्छा कर लेते हो आप भाई। डेयर डेयर खेलते हैं अबे चार रह गए ना उन लोग लो पान पत्ता शीशा नंगारा गुलाब दा फूल दा फूल ये अब मैं गया अबे मैं गया दा फूल चल 1 2 3 भाई ऐसे कोई देना की टट्टी टुट्टी उठाओ या वो नहीं 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 टट्टी का कौन करेगा सो मेरा सच्ची में डेयरिंग हो चुकी मतलब डेयरिंग भाई इतनी डेयरिंग होगी ये ब्लॉग मुझे अकेले बैठ के एडिट करना पड़ेगा यार हेडफोन लगाना और ये खुद ही देखना पड़ेगा आपको चार्ज नहीं आगे। हां चलो 120 के हिसाब से चार बोतलें ले आ चले के पास जाएगा ना पेमेंट उसको कर रखी है उलचे भी लेना और 50 रुपए मांगने उससे जो वहां पे खड़ा वो है भी कैंप का बंदा पेल दिया तो भाई हम इधर बैठे हैं हम भाग जाएंगे बस यहां से वीडियो क्या तुम्हें लाख रुपए किसी से पकड़ के मुझे दे दो वही मैं पकड़ के तुमको दे दूंगा इससे होगा कुछ नहीं बस अपने लाखों का लेन देन हो जाएगा। तुम्हारा आखिरी डिसीजन है कि मैं जाऊं पैसे आएंगे ये पैसा कमाने का तरीका यही तो है उसको बोलो रुकना नहीं हक दिया सारे वैसे मन तगड़े तगड़े खड़े उधर मैं देखो तो कहता मैनू नहीं लगता बंदा देखेगा मक्का बंदा देखेगा 150 रुपए कहता ना उन्हें नहीं दिते कहता बुला दे बंदे ने करे पहुंचा दे नहीं लग रहा था नहीं भाई सच में अबे ये क्या चला दिया ये क्या चला दिया पुलिस वालों के पास रोके रास्ता पूछेंगे हमसे इसी क्यों दोस्त हटा देता दोस्त पे लगाई ठंडा नहीं हो रहा पूरा नहीं मैं नहीं ठंडा हुआ लोग चलता ना पका
बड़ा खतरनाक चलता हूँ, मैं आगे नहीं कह रहा। की एक्स आ रही है इधर से, भाई की एक्स आ रही है। ओए भाई मेरे कोई एक्स नहीं, तुम्हारी बहन है, सच्ची बहन है कसम से। आंटी साहब जान के बाहर गए तो देखो ऊपर था, बचाओगे ना? ये क्या गियर इस साइड ऐसे पहुंच गया? ये एक गुड न्यूज ये है कि मेरी बाइक आ गई शोरूम में, तो मैं कल लेने जा रहा हूँ बाइक। बट उससे पहले आज मैं जा रहा हूँ गोप्रो लेने और हेलमेट लेने। लेट्स सी कैसा लेता हूँ और क्या क्या होता है। और आपको एक बात ये बताना था कि स्नेहा ने एकदम पागल वाला काम किया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई ऐसा भी कर सकती है वो। तो मतलब हमने एक प्रपोज प्लान किया था, जो मैंने उसको रोज़ दिया था, उसके जो पेटल्स होते हैं ना, जिनसे उसने अपने घर जाकर उसका एक ना लॉकेट सा बनाया, उन पेटल्स को उस लॉकेट में रख के मतलब कुछ अच्छा सा बनाया उसने, तो मैं काफ़ी अच्छा लगा था। इतनी सी चीज़ को तुमने इतना बड़ा कर दिया, तो मतलब क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। स्नेहा के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो वहाँ पे आप देखना उसने कैसे प्रिपरेशन की है और उसने कैसे बनाया वो लॉकेट। तो मैं अभी जा रहा हूँ गोप्रो लेने और हेलमेट लेने। मम्मा yes. मैं जा रहा हूँ, ठीक है? क्या मुझे हेलमेट तो दिलाने, लेकिन खुद ने हेलमेट नहीं पहना। लुक कितने औसम आ रहे हैं ना। मैं भूल ही गया आज तो संडे, ये नहीं क्या किस्मत ही अपने ना। सच में बना गए हेलमेट लेने, दिखा दो एक खतरनाक सा। सा नहीं आते यार। सो फैमिली हेलमेट ले लिया है, अब देखेंगे क्या बाइक का शोरूम भी यहीं पे पास में है, सोच रहे हैं आज बाइक देख के चल जाते हैं, कल ले लेंगे। सो फैमिली शोरूम आ गए थे हम अपना बाइक देखने, बट शोरूम बंद है। मैं हल्का सा देख के हूँ, गाली कोई पकड़ेगा तो नहीं ना मेरे को, बस फोटो खींच के वो मेरी बाइक। फैमिली यहाँ पर है मेरी बाइक, दिल्ली गिफ्ट। खुशी देख रही है? हेलो, कुछ नहीं दिख रहा, स्टिकर लगा के। असली राइडर तो इधर है। सो फैमिली फाइनली कल बाइक आ रही है, गेस करो कौन सी बाइक है, ड्यूक 250, ड्यूक 200 या आरसी 200। तो बस कल वो दिन आ रहा है, और बाकी टाटा टेक केयर। बाकी फैमिली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ध्यान रखो अपना, लव यू टू।